हिमाचल चुनाव की बजी रणभेरी, जनता करेगी कामकाज का हिसाब। 5 साल में बीजेपी ने किया कितना काम, काम का क्या मिलेगा इनाम। चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान, पार्टियों ने संभाली कमान। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा करते हुए कहा कि 12 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और परिणाम आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन होंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 27 अक्टूबर को होगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख 29 अक्टूबर तय की गई है। इसके साथ ही 12 नवंबर को विधानसभा का मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को चुनावों का परिणाम घोषित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की साख सबसे ज्यादा दांव पर है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देवभूमि में सत्ता में आने के लिए ललायत हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना काम कर दिया है। कई रैलियों के बाद हिमाचल प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने वादों का पिटारा खोल दिया है। बता दें कि हिमाचल विधानसभा का 8 जनवरी 2023 को कार्यकाल खत्म हो रहा है। हिमाचल विधानसभा में 68 सीटों के लिए 2017 में 9 नवंबर को वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने 68 में से 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की थी। एक सीट सीपीएम को और 2 सीटें अन्य को मिली थी। जयराम ठाकुर को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। आचार संहिता लगने से पहले एबीपी ने वोटर के ओपिनियन पोल कराया है और इसमें जनता की राय सामने आई। पोल में मौजूदा बीजेपी की सरकार से जनता खुश है या नहीं, कामकाज कैसा रहा, इसको लेकर सवाल किए गए थे, जिसके जवाब में लोगों ने कई तरह के रिएक्शन दिए। हालांकि सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार की सत्ता में वापसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मुकाबला जोरदार होने की उम्मीद है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 37% लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार का अच्छा काम रहा है। वहीं 29% लोग सरकार के कामकाज को औसत मानते हैं, जबकि 44% लोग ऐसे हैं जो सरकार के कामकाज से खुश नहीं, यानी कि खुश और नाराजगी में सिर्फ 3% वोटों का अंतर है। इस सर्वे में एक और सवाल किया गया था। इसमें पूछा गया था कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, जिसका परिणाम इस तरह है कि बीजेपी को 46% वोट मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 25.2% और आम आदमी पार्टी को 6.3% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य को 12.5% वोट मिल सकते हैं, यानी नाराजगी भले ही हो लेकिन वोट प्रतिशत का अंतर ज्यादा बड़ा है। इसी अंतर को कम करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में कमान संभाल चुकी हैं और रैलियां शुरू कर दी हैं। हालांकि आप से लेकर कांग्रेस पार्टी तक को ये उम्मीद है कि वोटर हिमाचल में परिवर्तन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला है तो गुजरात में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। हालांकि शुरुआत में हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने पैड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका पूरा फोकस गुजरात में है। हालांकि अभी भी ये माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।